लखीमपुर से किशन भी मेरे साथ बने हुए बहुत देर से, उनका अब मैं रुक करूंगी। किशन, लखीमपुर में किस तरह के हालात हैं? क्योंकि लखीमपुर में जो घटना हुई थी वो किसी से छिपी नहीं है, इसको लेकर बहुत राजनीति हुई और ये भी देखा जा रहा था कि इन चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का ही बना हुआ था। किशन आवाज आ रही है मेरी? किशन अनम्यूट कर लीजिए तब आपकी आवाज मुझ तक पहुंचेगी। लखीमपुर खीरी की अगर बात की जाए तो लखीमपुर खीरी में आज मतदान हो रहा है सुबह 7 बजे से। कहीं ना कहीं पोलिंग बूथों पर लोग जो मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं अपना मत का अपना अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अगर लखीमपुर खीरी की 3 अक्टूबर की घटना की बात की जाए तो लखीमपुर खीरी में साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि जो किसान है या जो सरदार वर्ग का लोग हैं वो कहीं ना कहीं खासा नाराज भी है और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे। अगर बात की जाए जो अन्य मुद्दे हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने लगभग जनपद में 5 सभाएं की थी, उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने वोटरों को लुभाने का काम किया और ये कहा है कि हमारे पक्ष में वोट करें, जो भी कमियां उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से रही है उनको पूरा किया जाएगा। जी किशन, आप इस वक्त कौन से बूथ पर मौजूद हैं? देखिए, ये 144 विधानसभा पड़ती है और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि 144 विधानसभा है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह हैं, उनको समाज भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा टिकट दिया है और समाज फिर से उनको भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया। ये एक पीडी इंटर कॉलेज का बूथ है जहाँ पर लगभग 4 पोलिंग स्टेशन है और यहाँ पर PAC रैपिड एक्शन फोर्स और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस और CRPF के जवान लगाए गए हैं और कहीं ना कहीं कोविड डेस्क बनाई गई है। बाकायदा लोगों से पूछकर चेकिंग के बाद उनको ही मतदान के लिए अंदर जाना दिया जा रहा है। जी।